नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी की नई भर्ती के बारे में। अगर आप रेलवे ग्रुप डी की नई भर्ती का वेट कर रहे हैं तो आज इस वीडियो में दोस्तों आपको ए टू जेड जानकारी मिलेगी। सिलेबस क्या रहेगा, क्वालिफिकेशन क्या रहेगा, एज क्राइटेरिया क्या है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, फीस कितना है, सब कुछ आसान भाषा में बताने वाला हूं दोस्तों। क्योंकि दोस्तों अभी रेलवे ने ना लगातार नई नई नोटिस जारी करके आप सभी को नई भर्ती के बारे में अपडेट दे रही है दोस्तों। तो रेलवे ग्रुप डी के जितने भी कैंडिडेट इंतजार कर रहे हैं उन सब के लिए ये वीडियो बहुत ही खास होने वाली है। सारा कुछ ए टू जेड डिटेल्स आसान भाषा में आप लोगों को बताने वाला हूं, बस आप वीडियो को ए टू जेड पूरा देख लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दूं, एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, साथ ही साथ अगर चैनल में पहली बार आए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा दोस्तों, क्योंकि आपको डेली नई भर्ती की अपडेट मिलते रहेगी। तो चलिए एक बार फिर से बता दे रहा हूं, रेलवे ग्रुप डी की नई भर्ती 2024 के बारे में टोटल जो पद की बात करने वाले हैं ना वो लगभग 1 लाख प्लस आ रही है दोस्तों, ठीक है। और इसमें एज क्राइटेरिया, आखिरकार इसमें एज क्राइटेरिया आपका क्या होने वाली है। तो एज क्राइटेरिया, बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे होते हैं जिनका 30 साल से ऊपर हो जाता है या 35 साल से ऊपर हो जाता है, वो लोग फॉर्म फिल नहीं कर पाते हैं, चाहे वो कोई सभी कैटेगरी कैंडिडेट है, तो उन सभी के लिए एक सुनहरा मौका है दोस्तों। 18 से 33 साल जनरल और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन जो रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट है जैसे कि एससी एसटी तो 5 साल की छूट मिलेगा, ओबीसी हो तो 3 साल की एज में छूट मिलने वाली है दोस्तों। तो ये मौका, सुनहरा मौका है आप सभी के पास। और लास्ट टाइम का कटअप भी इस वीडियो के बारे में, इस वीडियो के अंत में आप लोगों को बताने वाला हूं। योग्यता, तो योग्यता आप लोगों को बता दूं, अगर आप 10वीं पास है या फिर 10वीं प्लस आईटीआई के हैं तो दोनों में आप लोगों के पास सुनहरा मौका है, क्योंकि 10वीं पास वाले कैंडिडेट के लिए भी कुछ पोस्ट होने वाली है। साथ ही साथ रेलवे ने कुछ समय पहले एक नोटिस निकाला था जो क्वालिफिकेशन से रिलेटेड था, उसमें बताया गया था कि 10th+ ITI के लिए वैकेंसी आ रही है, लेकिन बता दूं जैसे कि हॉस्पिटल अटेंडेंट ऐसे बहुत सारे वैकेंसी होती है, वो 10th पास वालों के लिए रहने वाली है, ठीक है दोस्तों। फीस, आखिरकार इस वैकेंसी में फीस कितना लगने वाली है, तो आप सभी को बता दूं दोस्तों इसमें जो फीस है ना वो एससी एसटी और पीडब्ल्यूडी और एक सर्विसमैन कोटा के कैंडिडेट, इन सभी का 250 रुपए फीस होने वाली है। लेकिन ये जो फीस है ना वो जिन कैंडिडेट एग्जाम में जो कैंडिडेट बैठते हैं उन सभी का 100% रिफंडेबल होता है, ठीक है। और वैसे ही जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट का टोटल जो फीस है वो 500 रुपए है दोस्तों, लेकिन जो जो कैंडिडेट एग्जाम यानी कि पेपर में बैठते हैं उन सभी का 400 रुपया रिफंड हो जाती है दोस्तों, ठीक है। और इस वैकेंसी में ना ऑल इंडिया के मेल फीमेल कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, सभी जोन से वैकेंसी आ रही है दोस्तों, सभी जोन से, जितने भी आरआरबी जोन है सभी जोन से, ठीक है। और इसमें सिलेक्शन प्रोसेस की बात करूं, आखिर इस भर्ती में सिलेक्शन प्रोसेस होता कैसे है, तो सिलेक्शन प्रोसेस में आपको बता दूं, सबसे पहले तो आप ऑनलाइन फॉर्म फिल करोगे, तो उसके बाद आपका एडमिट कार्ड आने के बाद आपको कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यानी कि सीबीटी होगा, सीबीटी के बाद आपका पीईटी होगा यानी कि जो फिजिकल टेस्ट होता है दोस्तों, उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद आपका मेडिकल होगा, फिर जाके आपका मेरिट और आपको अलॉट कर दिया जाएगा कि आपका पोस्टिंग यहां है, आपको फिर कॉल लेटर भेज दिया जाएगा, ठीक है दोस्तों। ये तो रही इसका सिलेक्शन प्रोसेस की, लेकिन सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो होती है वो होती है इसका सिलेबस की। तो सिलेबस आप लोगों को बता दूं कि 100 क्वेश्चन आएगा, 100 नंबर का आएगा, 90 मिनट का टाइम रहता है दोस्तों, और 1/3 इसमें निगेटिव मार्किंग होती है दोस्तों। तो उसी में सिलेबस में सबसे पहला सब्जेक्ट है जनरल साइंस का, जनरल साइंस का आपको बता दूं 25 क्वेश्चन आने वाली है, उसके बाद आपका मैथ्स का 25 क्वेश्चन आने वाली है, फिर आपका रीजनिंग का भी 30 क्वेश्चन आती है दोस्तों, और उसके बाद चौथा है दोस्तों जनरल अवेयरनेस प्लस करंट अफेयर्स, ये रहेगा 20 क्वेश्चन, टोटल हो जाता है 100 क्वेश्चन दोस्तों। 100 क्वेश्चन है, 100 क्वेश्चन का 100 नंबर है, 90 मिनट का आपको टाइम रहेगा दोस्तों, 1/3 इसमें निगेटिव मार्किंग होने वाली है। और देखिये पीईटी बताने से पहले आप लोगों को एक चीज मैं बता दूं, जितने भी कैंडिडेट ग्रुप डी की वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं या वेट कर रहे हैं उन सभी को मैं बता दूं कि इसमें जो सैलरी है ना वो बेसिक सैलरी आपका 18,000 है, प्लस आपको डीए मिलेगा यानी कि 46% अभी सेंट्रल जो डीए दे रही है वो आपको मिलेगा, लेवल 1 के आधार पे आपको सैलरी मिलेगा, लेकिन और कुछ कुछ अलाउंस वगैरह मिला करके आपका सैलरी इन हैंड 35,000 के आसपास मिल जाएगी दोस्तों। तो ये ऐसे वैकेंसी है ना,
हालांकि ये 10th लेवल की वैकेंसी है, लेकिन इसका फायदा बहुत है। अभी हाल ही में 13 तारीख के आसपास एक ग्रुप डी ने और रेलवे ने एक नोटिफिकेशन जारी किया था, जितने भी डिविजनल मैनेजर है उन सभी को साफ साफ उन्होंने बोल दिया था दोस्तों कि जो भी कैंडिडेट क्या है 8 साल से ट्रैक मैन में काम कर रहे हैं वो अपना स्वेच्छा से चेंज कर सकते हैं, ऐसा बोल करके नोटिस निकाला था। तो इन सभी में ग्रुप डी कर्मचारियों का एक फायदा है दोस्तों, आप सभी को बता दूं, जो भी कैंडिडेट सोचते हैं कि ये ग्रुप डी लेवल का है इसमें हम क्या फॉर्म फिल करें, तो उनको मैं बता दूं ये एक अच्छा मौका है, आप अपने स्वेच्छा से अपने पसंदीदा पोस्ट में बोल सकते हैं, जा सकते हो दोस्तों। तो ये आप लोगों के लिए एक सुनहरा मौका है, जितने भी कैंडिडेट बोलते हैं ये ग्रुप डी की वैकेंसी है ऐसे बोल करके, तो आप लोगों को बता दूं हालांकि ये ग्रुप डी है लेकिन आप डिपार्टमेंटल एग्जाम दिला करके इसके हाई लेवल पोस्ट जैसे कि एएलपी टेक्नीशियन हो गया, आप एएलपी टेक्नीशियन के अलावा आप गुड्स गार्ड हो गया, टीटी हो गया, और ऐसे बहुत सारे पोस्ट स्टेशन मैनेजर हो, स्टेशन मास्टर हो गया, ऐसे में आप प्रमोशन ले सकते हो। तो आप लोगों के पास सुनहरा मौका है, जरूर इस पोस्ट में फॉर्म फिल कर दीजिएगा। और अप्लाई डेट बताने से पहले आप लोगों को मैं बोल दूं, इसमें जो पीटी है ना वो मेल कैंडिडेट का 35 kg उठा करके 100 मीटर को 2 मिनट में आपको दौड़ना है दोस्तों। उसके बाद ये तो रही 35 kg उठा करके, लेकिन इसके अलावा एक और दौड़ है, वो है 1 किलोमीटर को 4 मिनट 15 सेकंड में आपको दौड़ के निकालना है, तो ये आप आसानी से निकाल लोगे। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपका है दोस्तों, वो है रिटन एग्जाम, तो ये बात आप लोग जान लीजिए। फिर इसके बाद फीमेल कैंडिडेट, तो फीमेल कैंडिडेट का बता दूं 20 kg को उठा करके 100 मीटर को आपको 2 मिनट में दौड़ना है, ये भी लड़कियां दौड़ लेगी सबसे पहले रिटन एग्जाम निकाले, लेकिन 1000 मीटर को उसके बाद 5 मिनट 40 सेकंड के अंतर्गत आपको दौड़ करके निकालना है। तो एक चीज बता दूं, ये तो रही इसका पीईटी का कंप्लीट डिटेल्स, लेकिन आप लोगों को बता दूं जितने भी कैंडिडेट तैयारी कर रहे हैं ग्रुप डी का या तैयारी करने के सोच रहे हैं उन सभी को बता दूं ये जो वैकेंसी है ना, ये वैकेंसी आप लोगों को जनवरी के लास्ट वीक से लेकर के फरवरी में आप लोगों के लिए आने वाली है, तो जरूर इस वैकेंसी में फॉर्म अप्लाई कर दीजिएगा दोस्तों। दोस्तों रेलवे ग्रुप डी के अलावा रेलवे असिस्टेंट लोको पायलट और रेलवे आरपीएफ मेल फीमेल दोनों कैंडिडेट के लिए भी वैकेंसी आ रही है, उन सभी पदों का भी आप सभी को पता है कि कुछ दिन पहले से रेलवे जारी बार बार नोटिफिकेशन जारी कर रहा है दोस्तों कुछ ना कुछ जानकारी के साथ। अभी तो आपको एएलपी का क्वालिफिकेशन से रिलेटेड एक नोटिफिकेशन देखे होंगे, आरपीएफ का नई नोटिफिकेशन कुछ समय पहले जारी किया था, अभी ग्रुप डी से लेकर के अपडेट आ गई है, तो आप सभी को बता दूं जल्द ही इन सभी का भर्ती आ रही है, तो जरूर आप लोग अप्लाई कीजिएगा। साथ ही साथ तैयारी नहीं करना चालू किया है तो तैयारी स्टार्ट कर दीजिएगा दोस्तों, एक सुनहरा मौका है, ऐसे मौका को हाथ से जाने ना दो दोस्तों। साथ ही साथ अभी से अगर आप तैयारी नहीं कर रहे हैं तो आप तैयारी कर लीजिए, और इसका कंप्लीट डिटेल्स का आप नोटिफिकेशन देखना चाहते हैं तो मेरा टेलीग्राम चैनल में जुड़ जाइए, और इसके साथ ही साथ आप अदर गवर्नमेंट जॉब की भी तैयारी करना चाहते हैं, अदर गवर्नमेंट जॉब में भी फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम चैनल में जरूर जुड़िएगा, आपको डेली नई नई भर्ती का नोटिफिकेशन उस टेलीग्राम चैनल में मिलेगा, साथ ही साथ वीडियो के माध्यम से A to Z उस भर्ती की जानकारी भी टेलीग्राम में आप लोगों को डेली मिल जाएगी दोस्तों। तो जरूर फॉर्म फिल कीजिएगा, और साथ ही साथ तैयारी कर रहे हो तो अभी से और जोर से तैयारी में लग जाइए, क्योंकि ग्रुप डी एक वरदान समझो दोस्तों, एक सुनहरा मौका है। अगर आप ग्रुप डी में ज्वाइन कर लेते हैं ना तो आपका फैमिली यहाँ पे रहेगा, वो डायरेक्ट यहाँ ऊपर उठ जाएगा, क्योंकि रेलवे में एक नियम है, आप डिपार्टमेंटल प्रमोशन ले सकते हैं 1-2 साल 3 साल अगर नौकरी कर रहे हैं, उसके बाद हर एक डिवीजन में जितने भी आरआरबी के जोन है सभी जोन में डिपार्टमेंटल वैकेंसी निकलती रहती है, और उस वैकेंसी का आप फायदा उठा सकते हो, ग्रुप डी से डायरेक्ट ग्रुप बी तक पहुंच सकते हो दोस्तों। ठीक है, अब इसमें एक चीज बता दूं, आखिर इसमें मेडिकल आपका स्टैंडर्ड कितना रहेगा, तो ग्रुप डी लेवल की वैकेंसी में ना एएलपी जैसे मेडिकल नहीं होता है, तो अगर आपको चश्मा भी लगा है ना तो भी आप आसानी से इस पोस्ट की तैयारी करना चाहते हैं तो आप तैयारी में लग जाइए, क्योंकि टेंशन घबराने की जरूरत नहीं, इसका मेडिकल आपका नॉर्मल होता है दोस्तों, बस आपको कलर ब्लाइंड नहीं होना चाहिए, लेकिन कलर ब्लाइंड आपको होता है तो कुछ कुछ ऑफिसर से रिलेटेड अगर पोस्ट है तो उसमें आप लोगों को दे दिया जाता है, लेकिन बहुत लेट में दिया जाता है, लेकिन ज्वाइनिंग करा दिया जाता है अगर आपका नंबर अच्छा खासा हो तो। तो आप लोगों के पास सुनहरा मौका है दोस्तों, अगर आप मेडिकल में भले ही आपको आंख में चश्मा लगा हो, अदर वैकेंसी में आप अप्लाई नहीं कर सकते हो, लेकिन इस भर्ती में आप फॉर्म फिल
कर सकते हो दोस्तों, ठीक है। और इसी प्रकार की नई नई भर्तियों की A to Z जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आपको डेली दिन में 2 से 3 बार, 1 बार 3 बार, मिनिमम 1 बार तो आपको नई भर्ती की जानकारी मिलते रहेगी, वो भी मोटिवेशनल वीडियो के साथ। क्योंकि देखिए बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे होते हैं जो कुछ एग्जाम में फेल हो जाते हैं या कुछ हो जाते हैं तो उनका मनोबल जो टूट जाता है और फॉर्म फिल नहीं कर पाते, तो उन सभी को मैं बता दूं, आप हार मत मानिए। आज फेल होना, कल आप पास जरूर होंगे, यही सोच करके आप जरूर हर एक वैकेंसी का तैयारी करते रहिएगा दोस्तों, ठीक है। आज के लिए बस इतना है दोस्तों। किसी भी प्रकार का अगर आपके मन में सवाल है तो जरूर आप कमेंट कीजिएगा दोस्तों, हर एक कमेंट का मैं रिप्लाई देने की कोशिश करता हूं। साथ ही साथ बता दूं, रेलवे ALP, रेलवे ALP, रेलवे RPF और ये ग्रुप डी सभी वैकेंसी आने वाली है दोस्तों, जनवरी के लास्ट से फरवरी में कभी भी आप लोगों को देखने को मिल जाएगी इसका ऑनलाइन फॉर्म। आज के लिए बस इतना है दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई गवर्नमेंट जॉब, नई सरकारी नौकरी के अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।